चमोली में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट मिशन 2023 का आयोजन किया गया। इसके तहत 25 अप्रैल से 3 मई 2023 तक सभी न्याय पंचायतों में गोष्ठियों के माध्यम से कृषकों को मिलेट मिशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने जिला पंचायत परिसर गोपेश्वर से कृषि रथों को रवाना करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर किसानों को स्थानीय उत्पादों को मिलेट फसलों की खेती के संबंध में जानकारी दी गई। मिलेट और इसको लेकर के जो हमारा खरीद गोष्ठी होना है उसको लेकर के आज एक परिचर्चा साथ में एक कृषि रथ रवाना हुआ है जो समस्त नया पंचायत में जाएगा। आज एक चीज़ और जोड़ी गई है जिसमें होटल व्यवसायियों के साथ में समूह और किसानों की बैठक हुई है कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए और जो पर्यटक आएंगे वो स्थानीय जो हमारे यहाँ के जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है उनको उपलब्ध कराया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर 2023 के अंतर्गत इस कृषि महोत्सव का शुभारम्भ हुआ है। इसके सामने अलग आप किया है, जनपद में 5 रथों को रवाना किया गया है। 5 रथ प्रभारी बनाए गए हैं जो कि कल से प्रत्येक नया पंचायत में 3 मई तक गोष्ठियाँ हुई हैं, जिसमें कृषि उद्यान पशुपालन मतदेशन जितने लाइन डिपार्टमेंट सभी लोग स्टॉल लगाएंगे और विभागीय अपनी जानकारियाँ देंगे और निवेशों का वितरण करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि हम खरीद की जानकारी और रबी में भी आगामी जब होगा तो रबी की जानकारी, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि अपने विभागों की जानकारियाँ किसानों तक उन्नत जानकारियाँ पहुँचाना, कैसे वो वैज्ञानिक ढंग से खेती करें, इसी को देखते हुए इस किसान महोत्सव का उद्घाटन आज कराया।